नमस्ते बलदेव सिंह सिसा जी, NIA का नोटिस आपको भेजा गया था और भी लोगों को भेजा गया है, क्या लिखा था नोटिस में, किस तरह से देखते हैं आप इसको? हमारे को देशद्रोही लिखा है उस नोटिस में, जो धाराएं लगी हैं वो देशद्रोही वाली लगी हैं। क्या मैं देशद्रोही हूँ, यही पूछना चाहता हूँ। अरे आज बन गया, ये 2 महीने पहले हम रेलवे ट्रैक पर बैठे और वहाँ पर नहीं, 2 महीने यहाँ पर हो गए तो पहले नहीं, आज तक मेरे को कभी ऐसा नोटिस नहीं गया। आज क्यों नोटिस? इसीलिए कि हम, मैंने जो ये लोग पकड़वाए हैं, FIR दर्ज करवाई हैं, इस मुद्दे में जो भी शरारती अंसर है उनको पकड़ता हूँ, इसलिए सरकार हमारे को डराना चाहती है, हम डरे। तो ये बात पिछली बार बैठक में भी उठाई गई थी और यहाँ पे जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने कहा था कि उन्हें पता नहीं है कि क्या हो रहा है, उसके बाद से अभी तक कुछ बदलाव हुआ है? देखिए अब पता चलेगा, अभी तो मैं क्या कह सकता हूँ सरकार को, अब तो पता चल गया ना। आज क्या उम्मीद है बैठक से? मैं तो ये कहता हूँ कि गुरु गोविंद सिंह जी का आगमन पूर्व है, सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि आज के दिन उनके आगमन पूर्व की खुशियां लेने के लिए वो हमारी सारी मांगें। यानी कि नहीं तो सरकार को जो है आज उन किसानों की बात माननी चाहिए, आपको लगता है कि ऐसा कुछ होगा? हम तो कहते हैं माने, हमने तो यही कहा ना कि उस इतिहास को याद करो, आज खुशियां लो गुरु गोविंद सिंह। ट्रैक्टर रैली हमारी जो है बिल्कुल पीसफुल होगी, शांत में शुरू किया था, शांत में रहे, शांत में चलेगा, और सरकार को पुलिस को ये उनकी जिम्मेवारी बनती है, या तो 26 से पहले पहले हमारा निबेड़ा कर दे, नहीं करते तो फिर 26 की जो रैली है हम शांत में निकालेंगे। लेकिन सवाल तो यहाँ ये उठता है ना कि वो तो आपको अंदर किसी भी हाल में आने नहीं देंगे, वो तैयार है, तैयार कितने तैयार? हम शांत में ट्रैक्टर रैली से कितने तैयार हैं आप आने के लिए? बिल्कुल शांतमय तरीके से निकलेंगे, तैयारी क्या, शांतमय रहेंगे बस।